रविवार को थाना बलदेव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव घनसोली के रहने वाले सोहन सिंह 60 वर्षीय संदिग्ध परिस्थितियों में झुलस गए, जिनको गंभीर हालत में देखते हुए मथुरा रेफर किया गया, जहां से उनकी हालत ज्यादा नाजुक होने पर आगरा रेफर कर दिया गया, जहां उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इसको लेकर थाना बंदी पुलिस द्वारा उनका शव पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक सोहन सिंह के परिजनों ने बताया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विश्वजीत सिंह तोमर। ये क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, ये हमारे चाचा हैं सोहन सिंह, इनका विवाद चल रहा था घनश्याम सिंह से किसी जमीनी विवाद पे। तो विवाद ये अकेले रहते हैं गांव में, इनके कोई बच्चे नहीं है ना इनकी शादी हुई थी। ये किसान आदमी है, अपना गेहूं का व्यापार करके अपने काम चलाते थे दिन भर का, मतलब जो भी रोजी रोटी है। इनका जमीनी विवाद था घनश्याम सिंह और उनके दो बच्चों से, जिनके नाम है पुष्पिंदर सिंह उर्फ संजू और एक का नाम है शिव सिंह उर्फ राजू। तो और उनकी जो धर्मपत्नी है घनश्याम सिंह की, वो है श्यामवती जी। इन चारों ने मिलकर ये बैठे हुए थे अपने घर में, और कुछ जब विवाद बढ़ा इनके साथ, तो उनको पेट्रोल से या फिर किसी ज्वलनशील पदार्थ से इनकी जो है मतलब इनके ऊपर आग लगा दी। और जैसी हमको घटना की सूचना हुई, हम सीधे उधर गए और वहाँ से उठा के सीधा नैती हॉस्पिटल ले गए। नैती हॉस्पिटल में उपचार हुआ इनका, वहाँ पे उन्होंने बोला कि 90-95% इंजरी हुई है इनके, तो आप हमारे पास बड़ी यूनिट नहीं है, आप है ना दिल्ली ले जाओ। लेकिन दिल्ली में कोरोना होने की वजह से वहाँ पे यूपी के पेशेंट को वो नहीं लिया, एडमिट नहीं कर रहे थे। तो फिर हमने उन्होंने बोल दिया यहाँ से ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। फिर उनको जीजी नर्सिंग होम आगरा के लिए रेफर किया, जहाँ पे उनको हमने शाम को एडमिट कराया और रात भर वहाँ एडमिट रहे। फिर सुबह उनकी हालत थोड़ी नाजुक होने की क्रिटिकल हो गई, तो उन्होंने बोला कि अब इनको सफदरजंग ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास अब उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने बोला सफदरजंग ले जाएंगे, सफदरजंग ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई, तो हम इनको वापस फिर मथुरा ले आए। घटना कहाँ की है? घटना है गढ़सौली थाना क्षेत्र बलदेव तहसील मावन जिला मथुरा। क्या जमीनी विवाद के चलते? जमीनी विवाद था। जमीन किसकी है? जमीन पे विवाद है, किसकी है जमीन, इसी पे विवाद है। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दी थी पिछले इतवार को, ये दोनों हमारे जो चाचा हैं इनको बंद कराया था, झूठा मुकदमा लिखाया था इनके ऊपर दबंगई का, गुंडई का, और इनके ऊपर चोरी के आरोप लगाए थे दूसरी पार्टी ने, घनश्याम सिंह ने, संजू ने, राजू ने और उनकी धर्मपत्नी श्यामवती ने। और इनको है ना जबरन जेल में बंद कराया था, जिसमें हमने इनकी जमानत दी थी 151 में। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी आपने? इस घटना की जानकारी पुलिस को है, और पिछली घटना की जानकारी पुलिस को है। और ये विवाद होने से एक दिन पहले मैंने जो है, मैं दिल्ली में था तो मैंने लखनऊ जानकारी दी थी कि हमारे चाचा को इन्होंने घेर लिया है, तो मैंने मौके पे पुलिस पहुंचा दी थी, जिसका मेरे पास इवेंट आईडी भी है एक दिन पहले की। तो जब जो है रंजित शांत हो गई थी, फिर ये लोग पुलिस वाली जैसे ही गए हैं, तो दूसरे दिन इन्होंने फिर उनके ऊपर हमला कर दिया है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को